अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है भाई लोग? मैं आवाज़ से थोड़ा सा क्या कहना चाहिए थोड़ा थका हुआ लग रहा। नहीं एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत थका हुआ हूँ काम बहुत ज़्यादा है और एक्चुअली सफ़र पर भी जाना है और तैयारी कुछ भी नहीं हुई है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो फटाफट फटाफट काम ख़त्म किया जाए और तैयारियाँ शुरू की जाए। और कामों में एक बड़ा काम ये भी है कि आप लोगों तक जो है वो खास खास चीज़ें पहुंच जाए मेरे जाने से पहले पहले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाय किए। ज़रा देना है मल्टीप्लाई करना है इसको 2.5 से, मतलब ये हो गया 3.28 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज इक्वल टू 820 ग्राम। इतना शुगर आपको जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, आपके अमोनिया को, आपको इतना शक्कर पानी में डालना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि हम एमरजेंसी में शुगर क्यों इस्तेमाल करेंगे? इसकी वजह यह है दोस्तों कि मोलेसिस में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, बैक्टीरिया उसको मेटाबॉलिज्म करने में टाइम लेता है, जबकि शुगर में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है बैक्टीरिया उसको बहुत फास्ट मेटाबॉलिज्म करता है, बहुत फास्ट हजम करता है। इसलिए जब हमारी अमोनिया 0.5 से बढ़कर 1 या 1.5 हो जाए तो हमको इतना प्रॉब्लम नहीं है, मोलेसिस यूज़ कर सकते हैं, हमको मोलेसिस ही यूज़ करना चाहिए। और अगर हमारी अमोनिया इससे भी ज़्यादा हो जाए, 2 तक पहुंच जाए, 2 से ज़्यादा पहुंच जाए, तो उसको फ़ौरन नीचे लाना ज़रूरी है। और फिर इसके लिए हम शुगर को यूज़ करेंगे। इतना समझ में आ गया आप लोगों को भाई? अरे क्या हुआ भाई, समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो थोड़ा सा फिर से इसको, ये वीडियो होने के बाद में फिर से इसको 2-3 बार देख लेना, क्योंकि मुझको भी समझ में थोड़ा सा टाइम लगा था इसको। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपन सब एक ही कश्ती के सवार है, टेंशन मत लीजिए। आज थोड़ा भारी हो गया, नहीं चलिए अभी मूड फ्रेश कर देंगे आपका थोड़ी देर के बाद, टेंशन लेने की बात नहीं है। खैर तो अब इसके आगे सवाल ये आता है कि हमें इतना सब ऐड करने के बाद पता कब चलेगा कि अमोनिया ठीक हुआ कि नहीं, मतलब हम चेक कितनी देर के बाद करेंगे? इसका जवाब है, अगर आपने मोलेसिस का इस्तेमाल किया है तो आप 3 घंटे बाद चेक कीजिए, और अगर आपने शुगर का इस्तेमाल किया है तो 1 घंटे में ही आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा और आप उसको रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि इसमें किसी हमारे कोई भाई जो है उनकी नज़र खर्च पर भी जाए, क्योंकि शुगर और मोलेसिस के दाम में तकरीबन 10 गुना का फ़र्क है। तो जवाब है कि अभी हम चूँकि प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस मोड में चल रहे हैं इसलिए कुछ खर्चों को नज़रअंदाज हमको करना पड़ेगा। जब हाथ बैठ जाएगा तो आप खुद ही इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि मोलेसिस से भी ये कंट्रोल आप कर सकेंगे और इतना ज़्यादा ऊपर तक जाएगा ही नहीं है, अब जब आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये समझ में आई बात? वेरी गुड। अब थोड़ा रुकिए, एक बात और भी है। बायोफ्लॉक में अमोनिया की ज़रूरत क्यों है और इसका रोल क्या है? बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में हमारा जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो ये कि अमोनिया बढ़ने ना पाए, उसको रिड्यूस करना है और उसको एज अ नाइट्रोजन सोर्स, एक नेचुरल रिसोर्स की तरह इसको यूज़ करना होगा, और इसको हमें माइक्रोबायल प्रोटीन में कन्वर्ट करना है ताकि अमोनिया रिडक्शन के ज़रिए हम फिश को एक बेहतर इन्वायरमेंट दे सकें और माइक्रोबायल प्रोटीन में कन्वर्ट करके बेहतर फीड उसको दे सकें। और इन सब बातों के लिए हमारे टैंक में अमोनिया होना चाहिए, ज़रूरी है। जब होगी नहीं तो ये सब हम करेंगे कैसे? तो इसलिए सांसों की ज़रूरत है जैसे, सांसों की ज़रूरत है जैसे, ज़िंदगी के लिए बस थोड़ा अमोनिया चाहिए बायोफ्लॉक के लिए। फिल्म का नाम आशिकी, ईयर 1990। देखिए मैं फिर कहीं और चला गया, वापस आइए कैप्टन साहब, वापस आइए। मुझे पता है कि मैं बहुत काफ़ी बुरा गाता हूँ पर आज थोड़ा मूड में हूँ, इंजॉय करिए। तो उम्मीद है आपको अमोनिया का फंडा भी क्लियर हो गया होगा कि कितना चाहिए और कैसे कंट्रोल करना है वगैरह वगैरह। अमोनिया के बारे में एक और बहुत बड़ा फार्मूला हाथ आया है जब मैं ये कर रहा था, तो इसी दौरान, और वो जब मुझे मिला तो मुझे तो ऐसा लगा कि, और मेरे मुँह से मतलब बेसाख्ता निकला कि ये तो मुझको कोहिनूर का हीरा मिल गया। पर इसको मैं बाद में बताऊँगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तब, अभी तो शुरुआत है, चलते रहिए। अब आते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट पर। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट लूँगा क्योंकि ये चेक्स करना जो है वो तकरीबन सेम है, खाली ड्रॉप्स का थोड़ा सा डिफरेंस है और थोड़ा सा इसको हिलाना कितना है वो सब का थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए दोस्तों नाइट्राइट और नाइट्रेट को भी इसी तरह चेक करते हैं।
फ़र्क सिर्फ इतना है इसमें कि नाइट्राइट में सिर्फ एक बॉटल है और उसका 5 ड्रॉप आपको टेस्ट ट्यूब वाले पानी में अच्छे से मिक्स करना है। वही आपने जो टेस्ट ट्यूब में पानी लिया था 5 ml याद है, सबके लिए आपको 5 ml ही लेना है। उसके लिए आसान तरीका ये कि उसके अंदर जो लाइन लगी हुई है आपके टेस्ट ट्यूब में वहाँ तक पानी भरिए, 5 ml हो गया। तो इसमें आपको 5 ड्रॉप डालना है और उसको अच्छे से हिलाना है, 5 मिनट इंतज़ार करना है। जो कलर आएगा 5 मिनट के बाद में उसको कलर चार्ट से मैच करना है। जो कलर आपका मैच कर दिया या जिस कलर के करीब करीब वो है, वही आपका नाइट्राइट है। जबकि नाइट्रेट का तरीका जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको 2 बॉटल नज़र आएगी, मतलब इसमें 2 सोल्यूशन है, बॉटल्स के 2 सोल्यूशन हैं। तो इसमें आपको बॉटल नंबर 1 से 10 ड्रॉप डालना है और इसको ख़ास तौर पे इसमें खास लिखा है कि इसको 30 सेकेंड तक हिलाना है, मिक्स करना है अच्छे से। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ नाइट्रेट की। बॉटल नंबर 1 से आप डालिए 10 ड्रॉप, अच्छे से 30 सेकेंड तक हिलाइए। उसके बाद में बॉटल नंबर 2 से भी 10 ड्रॉप डालिए और इसको 1 मिनट तक मिक्स करना है अच्छे से, दबा के राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे राइट सब सब सब। उसके बाद में इसको भी 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, 5 मिनट इंतज़ार कीजिए। 5 मिनट के बाद में जो कलर आपका डेवलप हुआ है वो कलर चार्ट से कंपेयर कीजिए, उतना जो मैच कर गया दैट इज़ द योर नाइट्रेट लेवल, नाइट्रेट। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है यार। तो चलो भाई लोग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारे इस पार्ट 8 वाले यानी कि वाटर पैरामीटर्स वाले पार्ट में काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, चीज़ें क्लियर हुई होगी और कौन कौन से पैरामीटर्स कैसे चेक करना है आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर उसके बाद भी कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, बंदा हाजिर है। आखिर में मैं आप सबसे फिर से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप भी दुनिया को कुछ अपनी तरफ से देना चाहते हैं तो प्लीज़ टाइम दीजिए और हमारे वीडियोस के सब टाइटल बनाने में हमारी मदद करिए और उसके लिए आगे आइए। हमारे बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश के सब टाइटल की मांग कर रहे हैं, दूसरे दूसरे कंट्री के हैं लोग, कुछ हमारे साउथ के भी भाई हैं तो वो भी कह रहे हैं कि इसको ये इंग्लिश में होता तो अच्छा था। तो उन सबका भी फ़ायदा होगा, हमको सबके बारे में सोचना है। और मेरे पास सही में दोस्तों बहुत वक्त की किल्लत है लेकिन बस मैं टाइम कैसे निकाल रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। तो मेरे लिए दुआ भी करिए आप लोग, और जाहिर बात है आप लोग कर रहे हैं और आपकी दुआएं बहुत साथ हैं, इसलिए मेरे काम भी काफ़ी तेज़ी से बनते जा रहे हैं। और हाँ, मुझे ये भी कहना था इसमें कि जो पानी प्रिपरेशन वाला है, इसके बाद जो हम टॉपिक लेंगे उसमें मैं अपने पानी का जो हमारा प्रिपरेशन हुआ है मतलब फ्रॉम द डे फर्स्ट, उसमें कैसे कैसे कब कब क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या चेंजेस आते हैं वो सब हम इसके ऊपर बात करेंगे, मतलब फ्लॉग बनने तक, बल्कि क्या कहना चाहिए, मछली डालने तक। हम पहले फ्लॉग बना रहे हैं और उसके बाद में मछली डाल रहे हैं। मैं पहले फ्लॉग बना रहा हूं उसके बाद में मछली डालूंगा इंशाल्लाह। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए। तो हाँ, मैं बात कर रहा था इंग्लिश सबटाइटल की। आप अपना आप थोड़ा सा जो भी भाई हमारे इस काम के लिए आगे आना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि ज़रूर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ये पूरा वीडियो बनाने का जो है उतना टाइम निकालें, आपके पास जो भी टाइम है, अगर आपके पास सिर्फ अगर आप दिन में 5 मिनट दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ दिन में 5 मिनट दीजिए। हमारी जो टीम के लोग हैं वो आपसे आप अपना नंबर दीजिए, हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि इसको करना कैसे है। अगर आपको 5 मिनट है तो आप 5 मिनट दीजिए, 10 मिनट है 10 मिनट दीजिए, जो भी दीजिए सर आँखों पर। तो आपको थैंक्स इन एडवांस। अब इजाज़त दीजिए, हम फिर हाजिर होंगे जल्द ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, सलामत। अच्छा तो हम चलते हैं। अब आप लोग ये मत गाने लगना, ना जाओ सैया छुड़ा के बैया कसम तुम्हारी। आज के लिए इतना काफ़ी है भाई। अगर आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बायोफ्लॉग का इसी सीरीज़ में इंट्रो वाला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप बायोफ्लॉग को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा, जब भी वीडियो पर कोई इन्फॉर्मेशन बताऊँगा आपको भी मिल जाएगी। अगर कुछ पूछना हो या कमेंट करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मशवरा देना हो तो ज़रूर दीजिए। हेल्थी सजेशंस ऑलवेज वेलकम, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। खुश रहिए और जितना हो सकता है दूसरों की मदद करिए। ये फ्री इन्फॉर्मेशन दूसरे किसी भाई के काम आ सकती है, इस वीडियो को शेयर करके दूसरों की मदद करिए। और हाँ, किसी बहन को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को मोबाइल पर देख रहे हैं तो अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, क्या पता किसी को इसकी बहुत ज़रूरत हो। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए और हमसे जुड़े रहिए।
क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो भी फ्री, बिल्कुल मुफ्त। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।